आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। महामंत्री जी, 2 मिनट भाई साहब, आप बुला जिला अध्यक्ष, बुला रहे हो जिले के पदाधिकारी हो, आपने क्यों नहीं बोला कि मैं भी इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का अभी क्या हुआ? अभी सबसे पहले अभी टिकट उन्होंने पहले तो बोला कि हाँ आपका हो जाएगा करके, और फिर अभी अनारक्षित वर्ग था, अनारक्षित में इन्होंने, अनारक्षित वर्ग में मेरे व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, 8-9 आवेदन और भी थे, उनकी भी उपेक्षा करते हुए इन्होंने पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को घोषित करा, भारी प्रत्याशी को उन्होंने घोषित किया। अभी आप कहाँ पे आए थे और क्या करा? हम भाजपा कार्यालय पर आए थे, जिलाध्यक्ष जी को मैसेज करके हमने बुलाया, आधा घंटा हो गया वो नहीं आए, फिर जिला महामंत्री मनीष जी सोलंकी को हमने पूरे मामले से अवगत कराया। ये नहीं माने तो फिर आपने ये नहीं माने तो भोपाल जाएंगे, हम भोपाल जाएंगे। आपने क्या प्रयास क्यों किया, क्यों आपने डाला? हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास बचा क्या है? वर्ग के जितने भी मेरे लोग हैं, ये एक बात से मतलब नहीं, जहाँ भी इन्होंने जो जो उपेक्षा की है, आज कहाँ जाएगा अनारक्षित वर्ग? जब आपने आरक्षण तय कर दिया है, योग्य उम्मीदवार बना दिया उनमें कि इसमें ये वर्ग के लड़ेंगे, फिर अनारक्षित वर्ग की उपेक्षा क्यों? ऐसा क्या जरूरी आ गया था कि पार्टी को ओबीसी वर्ग को वहाँ पर टिकट देना पड़ा और एक भारी प्रत्याशी को टिकट देना पड़ा? किसे दोषी मानते हैं? मैं इसमें जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री दोनों को दोषी मानता हूँ। नारे भी लगाए कि वोट ले, पैसे लेकर जो इन्होंने टिकट, बिल्कुल बिल्कुल, अकेला नहीं है, ऐसे और भी वार्ड है जहाँ पे इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम मजदूर मैं भोजराज सिंह यादव, पूर्व प्रदेश सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है।